नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉल इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ कैंट विधानसभा के कंकरखेड़ा में जनसंपर्क किया, जहां पर उनके स्वागत को लेकर जनता काफी उत्सुक दिखी। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। आगरा के कैंट विधानसभा क्षेत्र के अर्जुन नगर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि के समर्थन में यहां पर लोगों से वोट की अपील की है। वहीं सीएम भूपेश बघेल को देखने के लिए लोगों का हुजूम जुट गया। सीएम बघेल ने लोगों को कांग्रेस की योजनाएं बताई। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से भी सीधा संवाद किया। लोगों से मैंने बात की, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, चाहे दुकानदार हों, चाहे वो पान ठेले वाले हों, चाहे नौजवान हों, महिलाएं हैं, चाहे बेरोजगार हैं, सब युवा हैं, सबसे मैंने बात की। और एक बात स्पष्ट है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जाति धर्म के आधार पे वोट दे के देख लिया उनकी समस्याओं को कोई निदान नहीं है। और यदि आज स्थिति ये है, कोई पार्टी आम जनता के मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी है जो किसानों को दाम भी देना चाहती है, बेरोजगारों को काम देना चाहती है और महिलाओं को सम्मान देना चाहती है, तो लोग आम जनता है, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कैंट प्रत्याशी और यूपी सरकार में राज्य मंत्री के समर्थन में मतदाता संवाद करने आगरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सपा बसपा सरकार पर हम जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में सिर्फ 5 शहरों को ही बिजली मिलती थी, कानून के राज की जगह जंगल राज था, जिसे योगी सरकार ने बेहतर किया। वहीं आगरा पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल से बड़े हमारे केंद्र राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल हैं। भूपेश बघेल को यूपी की एबीसीडी नहीं पता। साथ ही यूपी में सीएम चेहरे पर कहा कि योगी जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। आप यहाँ आगरा के सब हमारे मित्र लोग, पत्रकार मित्र लोग, यहाँ किसके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं और किसके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे हैं, किससे लोग डरते हैं, किसका भय है लोगों में, आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी भय पैदा करने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम करती है। अगर केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश की जनता के हित में विधानसभा का घेराव करता है और उसके कारण से मुकदमा लिखा जाता है, तो ये मुकदमा आंदोलन के होते हैं। लेकिन जो दंगा करवावे, जो हत्या करवावे, जो अपहरण करवावे, उनके अपराधों को और भाजपा के किसी पदाधिकारी या नेता या सरकार के किसी मंत्री पर इस प्रकार के कोई अपराध नहीं हो सकते, जिस अपराध को लेकर के समाज में उसके कारण से कहीं किसी को डर लगता हो। हाँ, डर लगता है तो समाजवादी पार्टी के गुंडों को हमारी सरकार से लगता है, भाजपा की सरकार बनने के बाद। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी, जहां पर बलरामपुर जिले के 4 मौजूदा विधायकों को ही टिकट दिया गया। पार्टी ने पुराने प्रत्याशियों पर भी अपना विश्वास जताया है। बलरामपुर सदस्य विधायक और राज्य मंत्री पलटूराम को जहां टिकट मिला है, तो वहीं तुलसीपुर विधानसभा से कैलाश नाथ शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया। गेटसी से विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू और उथरौला से राम प्रताप वर्मा और शशिकांत वर्मा पर पार्टी ने फिर विश्वास जताया। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारी मतों से राम प्रताप ने जीत हासिल की थी। आगरा छावनी से बीजेपी प्रत्याशी जीएस धर्मेश को अपनी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वहीं टूटी सड़कों से परेशान लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। बताया जा रहा है कि इस बीच भीड़ में कुछ लोगों ने अखिलेश यादव जिंदाबाद और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। सपा नेता काजी इमरान मसूद ने कहा कि देवबंद विधानसभा सीट से सपा की ओर से कार्तिकेय राणा ही प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। देवबंद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में माविया अली के पर्चा दाखिल करने की कुछ देर बाद देवबंद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा के साथ इमरान मसूद कलेक्ट्रेट पहुंचे और पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने देवबंद विधानसभा सीट से कार्तिकेय राणा को ही सपा प्रत्याशी घोषित किया है। वो पार्टी हाईकमान के आदेशों के बाद ही कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। देखिए, मुझे तो लखनऊ से टेलीफोन आया तो मैं दौड़ करके सब काम यहाँ पे आया हूँ और
पार्टी की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ, कार्तिकेय राणा पार्टी के कैंडिडेट हैं और मैं अधिकृत रूप से पार्टी के निर्देश के बाद ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो कार्तिकेय राणा का नॉमिनेशन का एक सेट हमें दाखिल कराना है, वो दाखिल कराने के लिए आए। इसके अतिरिक्त मुझे तो इसके अलावा जानकारी नहीं कि किसको क्या, किसने क्या जमा किया। आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा? अरे ये तो फायदे का बात है, ये तो फायदे की बात है कि अब आप देखें कितनी मारामारी हमारे यहाँ पार्टी के अंदर हो रही है, तो ये तूफान चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उसका संकेत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। भाजपा का कहना है कि सपा गुंडों की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा तो छोड़िए, डकैत राज बना करके रखा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, हालात खराब कर दी। कौन सी जगह अपराध नहीं बढ़ा, कौन सी चीज़ें नहीं, क्यों अपना ही सरकार के अंदर अपना क्राइम रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो आईना सामने नजर आ जाएगा कि कहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने 5 साल में खड़ा किया। सीतापुर में सपा प्रत्याशी राधेश्याम जायसवाल अनोखे अंदाज में रिक्शा चलाकर पर्चा दाखिल करने नामांकन कार्यालय पहुंचे और नामांकन भरा। सपा के 2 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। महमूदाबाद से जहां पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा सपा से चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं सदर सीट से पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल प्रत्याशी हैं। वहीं इस मौके पर सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल का कहना था कि तेल महंगा होने के कारण वो रिक्शा चलाकर आए हैं। मैनपुरी की सदर विधानसभा सीट से सपा विधायक और प्रत्याशी राजकुमार यादव साइकिल पर सवार होकर नामांकन करने जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर प्रशासन ने उन्हें साइकिल पर सवार होकर अंदर जाने से रोक दिया। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री जयवीर सिंह को पैराशूट प्रत्याशी बताया, साथ ही पैराशूट प्रत्याशी की हवा निकालने की बात कही। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जयवीर सिंह फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित 3 लोगों पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पुतला दहन कर कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। सिद्धार्थनगर में कांग्रेस के टिकट की घोषणा होने के बाद बांसी 304 विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमेश चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न करने का दावा किया है। जब कीमत पसीने की ना मिले तो ऐसे हालात अगावत के और बगावत के होते हैं। 22 सालों से कांग्रेस की सेवा करते करते जब यहाँ पे यहाँ की जमीन नहीं थी कांग्रेस की, तो डॉक्टर रमेश चौधरी ने 22 सालों से कांग्रेस की सेवा करके और कांग्रेस को जीवित किया। हमारे साथ इतना लंबा संगठन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 32 नए पंचायत अध्यक्ष, 3 ब्लॉक अध्यक्ष, 250 ग्राम पंचायत अध्यक्ष और लगभग 500 बूथ अध्यक्षों की हम लोगों की फौज इस ताक में है कि कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर रमेश चौधरी टिकट दिया जाए। और आप माननीय राजेश तिवारी ने और विश्व विजय सिंह ने और काजी सुहेल जिला अध्यक्ष जी ने, अजय कुमार लल्लू ने, प्रियंका गांधी ने, सब लोगों ने कहा था कि डॉक्टर रमेश चौधरी वहाँ का जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी है, उसका टिकट पूर्वांचल में सबसे पहले घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने टिकट को बेच लिया। जहां चुनावी खेल है, जहां महाभारत नदा हुआ है, वहां कांग्रेस पार्टी के लोग चुनावी सेल लगाए हुए हैं और पैसे पे टिकट दे करके इटवा से किसी को दे दिया गया, जबकि वहां मोहम्मद मुकीम को वहां के प्रत्याशी थे। कपिल बस्त को पैसे के लिए इंतजार किया जा रहा है। बांसी का टिकट 50 लाख में बेच दिया गया है, वो टिकट को बेच दिया। इसलिए हम अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस का बुरिया बिस्तर समेट देंगे। और ऐसे दगे लोग जो कांग्रेस को नरक में और गर्क में ले जा रहे हैं, मरने के बाद अंतिम कील ठोंक दे रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से निकलवा के दम लेंगे। मैंने प्रभारियों ने सिद्धार्थनगर को बेच दिया, इसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को बेच दिया। संदीप सिंह ने भी, जो प्रियंका गांधी, बहन प्रियंका गांधी का पीए है, वो भी टिकट में पैसा ले रहा है। सारे लोग टिकट को बेच करके कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं। ये जता दूंगा और बता दूंगा कि कांग्रेस डॉक्टर रमेश चौधरी के कार्यकर्ताओं के बल से है। डॉक्टर रमेश के बल से कांग्रेस यहाँ कोई अजीत नहीं है। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सरकारों से सवाल पूछना है,
मेरी याद है, मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित 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 किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। कोक बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे? अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। चलिए भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार जाती है? हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है? तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। औरैया के बिधुना विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रिया शाक्या ने अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन किया। नामांकन करने पहुंची रिया शाक्या ने कहा कि क्षेत्र में विकास कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। उनका कहना था कि इलाके में रोड ठीक नहीं है, साथ ही मल्टी हॉस्पिटल और महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, उस पर काम करना है। विकास लाना है क्षेत्र में, महिलाओं की लिए जो योजना है वो उनसे उनको अवगत कराना है, सुरक्षा पे काम करना है। लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि बेरोजगारी का मुद्दा एक हावी है, तो उसे आप किस तरीके से देखती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोरोना को लेके थोड़ी कुछ चीज़ें हैं, हालांकि विकास पर काम कर रही है और चीज़ें ठीक हो रही है।
बीजेपी ने पांचवें चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। गोंडा में पार्टी ने करनैलगंज विधायक लल्ला भैया का टिकट काट दिया है और उनके स्थान पर पार्टी ने नए चेहरे को तरजीह देते हुए परसपुर ब्लॉक प्रमुख अजय कुमार सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं जिले की 6 अन्य विधानसभा सीटों पर पार्टी ने अपने विधायकों पर फिर से भरोसा जताते हुए उनकी उम्मीदवारी बरकरार रखी है। वहीं महनौरी सीट से विधायक विनय कुमार द्विवेदी को टिकट दिया गया, जबकि सदर सीट पर प्रतीक भूषण सिंह प्रत्याशी होंगे। वहीं लिस्ट जारी होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। महनौर सीट से दोबारा टिकट पाने वाले विधायक विनय द्विवेदी और प्रतीक भूषण सिंह ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो जनता के आशीर्वाद से नेतृत्व की अपेक्षाओं का खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं अपने दिल से, और मैं ये संकल्प लिया हूं कि मैं मेहनत करूंगा, और मेरे इस मेहनत को देखते हुए और मुझे उम्मीद है कि मैं संगठन को मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा, जो चाहते हैं कि गोंडा के लोगों के साथ भला हो, गोंडा के लोगों के साथ। आज भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को हार्दिक बधाई देता हूँ कि गोंडा में 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा में फिर वही प्रत्याशी फिर से आए हैं मैदान में, और निश्चित रूप से जैसे 2017 में 7 की 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल खिला था, 2022 में भी 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। मुरादाबाद में ट्रक ने सिपाही को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी कड़ी में मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे स्थित थाना कुंदरगी पर मुरादाबाद की ओर से आ रहे ट्रक चालक ने सिपाही को टक्कर मार दी। ट्रक चालक कुंदरगी क्षेत्र के भट्टे से ईंट लेने के लिए आ रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आगरा के कंदौली के मई चौराहे पर पुलिस और स्वाट टीम की बड़ी सफलता मिली है। टीम ने 235 किलो आभूषण बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 7 बोरी में भरकर चांदी मिश्रित आभूषण को लोग लेकर जा रहे थे। जौनपुर के सिकरारा के फतेहगंज गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार एक मासूम की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। वहीं गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तमाम प्रत्याशी और तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरी तरह से प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। बुढ़ाना विधानसभा से आजाद समाज पार्टी ने सलीम चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। तेज हो रही है लगातार जनसंपर्क का जो दौर है उसको तेज कर दिया है। ऐसे में मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सलीम चौधरी, उनसे बात करते हैं जिस तरह का परिवर्तन अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार समय नजदीक आ रहा है। जिस तरह से लगातार जो चुनाव की तिथियां नजदीक आ रही हैं, तो क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? जी हाँ, परिवर्तन हो रहा है। बीजेपी जा रही है, आजाद समाज पार्टी आ रही है। क्या मतलब क्या मानते हैं बीजेपी जाने के पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण है दलित मुस्लिम का शोषण और कोई विकास नहीं, देश को बेच दिया। कारण तो बहुत सारे हैं भाई साहब। क्या लगता है जिस तरह का समीकरण कभी मायावती के जो जब सरकार बनती थी तब हुआ करता था, दलित प्लस मुस्लिम, क्या वही समीकरण फिर से दोबारा आ रहा है? उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उससे है। आजाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? आजाद समाज पार्टी चौंकाने जा रही है पूरे यूपी में। कितनी सीट जीतेगी? बहुत सीट जीतेगी, सैकड़ों से ज्यादा सीटें जीतेगी। बुढ़ाना विधानसभा की हम बात करें तो बुढ़ाना विधानसभा पे एक तरफ दो जाट समुदाय से दिग्गज प्रत्याशी हैं, तो वहीं एक तरफ मुस्लिम समुदाय से दो प्रत्याशी हैं, एक आजाद समाज पार्टी से हैं तो दूसरे बसपा से हैं। तो क्या मानते हैं, किस तरह का मुकाबला मानते हैं? दूसरे जो मुस्लिम प्रत्याशी है वो बाहरी प्रत्याशी है, वो बाहर से हैं। हम स्थानीय प्रत्याशी हैं, अपने लोगों के साथ है, रात दिन साथ है। दलित मुस्लिम हमें पसंद कर रहा है, हम जीत रहे हैं, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या मुद्दे रहेंगे आजाद समाज पार्टी के? मुद्दे बताए, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे वही है, बेरोजगारी, दलित पे, मुस्लिम पे अत्याचार, बहुत सारे मुद्दे हैं भाई। देखिए, ये थे हमारे साथ आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं सलीम चौधरी। तो बता रहे हैं कि जो तमाम महंगाई को लेकर या बेरोजगारी को लेकर तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर लगातार आजाद समाज पार्टी जनता के बीच जा रही है, और ऐसे में वो कहीं ना कहीं जीत दर्ज करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
मैं तस्लीम राणा, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, मुजफ्फरनगर। हाथरस में मंदिर से पूजा कर घर वापस लौट रहे पति पत्नी पर दबंगों ने जोरदार हमला कर दिया और फायरिंग कर दी, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी का माहौल है। फिलहाल परिवार के लोगों ने जमीन के लिए दिए रुपए वापस मांगने पर दबंगों ने इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया है। लखनऊ विधानसभा के कुल 9 सीटों के लिए नामांकन आज शुरू हुआ। नामांकन के पहले दिन दो उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बीकेटी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार ललन कुमार ने दाखिल किया अपना नामांकन, तो वहीं कैंट विधानसभा से राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार अजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। संघर्ष की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी का नेता और कार्यकर्ता सबसे आगे रहता है। उसी तरह से जिस तरह से लखनऊ जिले के विधानसभा बक्सी के तालाब में पिछले 30-32 वर्षों से क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी ने जो जनता के ऊपर दमन किया है, आने वाले 10 मार्च को जनता सबक सिखाएगी। ये लड़ाई गांधी और गोडसे के बीच में है। हम लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, गांधीवादी हैं, संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। और आपने देखा होगा कि जहां पे भी उत्तर प्रदेश में दमन हुआ है, लोगों को प्रताड़ित किया गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, हर जाति धर्म के लोग परेशान हैं। भारतीय जनता के पार्टी जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। युवा की अगर आप बात करें तो बेरोजगारी आप देख रहे हैं। लखनऊ में भारतीय सेना की 20,000 रेजिमेंट से रिटायर 50,000 का इनामी लोकेन गिरफ्तार कर लिया गया है। रिटायरमेंट के बाद तथाकथित कंपनी खोल सैकड़ों लोगों से करीब करोड़ों से अधिक की ठगी की है। गौतम बुद्धनगर थाना दादरी में 56 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और यूपी एसटीएफ ने जनपद मथुरा से उसे गिरफ्तार किया। अपने साथी भूदेव के साथ मिलकर उसने ठगी को अंजाम दिया था। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।